बुंदेलखंड न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम टिकरिया और मारकुंडी के बीच में एक ऐसे दुर्गम स्थान पे हैं। ये एक बड़ा बीहद क्षेत्र जंगल है जहाँ पे पूरा पाषाण काल के शैलचित्र हैं। जो पीछे आप मेरे शैलाश्रय देख पा रहे हैं ये हजारों साल पुराना शैलाश्रय है और इस स्थान पे शैलचित्र हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पे तैली चित्र हैं। जो शैलचित्र भीमबेटका रायसेन जिले में है उसके समकक्ष ये शैलचित्र हैं। और अभी पिछली रिपोर्ट में मैंने दिखाया था आपको कि सरहट बासा चूही खांभा ऐसे तमाम इलाकों में बड़ी संख्या में शैलचित्र हैं। लेकिन पुरातात्विक जो टीम है वो आई थी वहाँ पे और उन्होंने भी सर्वेक्षण किया था। उसके माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया था कि किस तरीके से चित्र पुराने हैं। लेकिन अभी की जो तस्वीर पीछे है ये स्थान बहुत ही दुर्गम क्षेत्र में है और यहाँ पे आने में हमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 4 से 5 किलोमीटर दूर ये स्थान मारकुंडी से पड़ता है और यहाँ पे आप पीछे देख पा रहे हैं यहीं पे हमारे पूर्वज रहा करते थे पुरापाषाण काल के समय में। ये शैलचित्र यहाँ पे जो मौजूद हैं काफ़ी संख्या में है और कुछ संख्या जो यहाँ पे है धूमिल हो गई चित्रों की, क्योंकि यहाँ से पानी गिरता है लगातार नीचे के स्थान पे, यहाँ पे पानी जाता है। तो ये जो पूरा स्थान आप देख पा रहे हैं एक बड़ा शैलाश्रय है। सबसे बड़ी बात है कि इस शैलाश्रय के बराबर अभी तक जो जितने स्थान मिले हैं इस तरीके का अभी हमें नहीं दिखा था। लेकिन ये स्थान ऐसा है जहाँ पे तमाम तरीके से शिकारियों के चित्र हैं, बाघ के चित्र हैं और इस तरीके के चित्र बताते हैं चित्रांकन का प्रयोग जो हुआ है उससे शायद आदिमानव जो हमारे पूर्वज थे पुरापाषाण काल के समय के उनका ये बताने का प्रयास था कि किस तरीके से वो उनका जीवन यहाँ पे जीवन चलता था। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पे महत्वपूर्ण हैं। अभी हमने आपको दिखाया कि किस तरीके के चित्र यहाँ पे बने हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि पूरा पाषाण काल के चित्र संरक्षण के अभाव में लगातार खत्म होते जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चुनौती होगी सरकार के लिए और आने वाली नई सरकार के लिए कि किस तरीके से ऐसे स्थानों को संरक्षित किया जाए। बुंदेलखंड न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन विकास कुमार के साथ अनुजन्मत।